टीकमगढ़ शहर में कुछ दिनों से लगातार मंदिर और मस्जिद की दान पेटी को निशाना बनाकर राशि को चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर तत्परता से वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को डमरू तिगेला के पास पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से 8,430 रुपये और चांदी का मुकुट, दान पेटी और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ उक्त कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो खुलासा किया गया है, किन मामलों को लेकर खुलासा? यहाँ पे कुतवाली थाना क्षेत्र में गए धार्मिक स्थलों में चोरियों का मैटर था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए मुझे निर्देशित किया गया, जिसमें तत्परता से एक टीम गठित कर चोरी करने वालों के ऊपर लगाया गया, जिसमें कि एक संदिग्ध के विषय में जानकारी मिली, कुछ सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर जो सूचना मिलती है उसके आधार पर उन्हें की पहचान कर उसको डुमरू तिगेला के आसपास उस लिए से पहचान करते हुए एक व्यक्ति मिला, उससे पूछताछ की गई, जिसने एक नज़रबाग में मंदिर की चोरी करना और दो जगह अन्य मंदिर में चोरी करना कबूल किया। कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार। कितनी राशि बरामद हुई सर? इसमें एक मामले में 4,830 रुपये, एक मामले में 1,200 रुपये और एक मामले में एक चांदी का मुकुट बरामद किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।